हेलो, नमस्कार दोस्तों। पॉलिटी करंट अफेयर रिवीजन में हमारा ये सेकंड लेक्चर है। यहाँ पे हम पॉलिटी के करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स 2018 के लिए। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है वो है पेड न्यूज़ के बारे में। तो देखो, आर्टिकल में ये था, एक्चुअली कंटेक्स्ट बताता हूँ आपको कि इलेक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश के एक एमपी को डिस्क्वालीफाई कर दिया था 3 साल के लिए। क्यों? क्योंकि उसने जो इलेक्शन इलेक्शन होते टाइम जो उसे डिटेल देनी होती है सारी, कि जो उसने खर्चा कहाँ कहाँ पे गया, तो उन्होंने अपना सारा खर्चा है जो भी डिटेल्स थी पेड न्यूज़ की वो उन्होंने अपलोड नहीं की, मतलब बताई नहीं थी, रॉन्ग डिटेल सबमिट की थी। तो इसी की वजह से तो यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कि इन्हें डिस्क्वालीफाई किस बेसिस पे किया गया। तो उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया कि वो पेड न्यूज़ है, कि उनकी डिटेल उन्होंने बताई नहीं गवर्नमेंट को, और इसी के साथ उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है इसका उल्लंघन किया था। तो इस आधार पर उनको 3 साल के लिए डिस्क्वालीफाई वो कर दिया गया। तो ये कंटेक्स्ट है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब चलते हैं हम आगे। आगे एक छोटी सी न्यूज़ थी, वो थी बीसीसीआई के बारे में। तो देखते हैं कि बीसीसीआई के बारे में है क्या न्यूज़। एक्चुअली कंटेक्स्ट ये था कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन जो कमीशन है उसने कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की थी कि भाई जो बीसीसीआई है इसे भी आरटीआई के एक दायरे में लेके आ जाए। बट इसे दायरे में लेके आ जाएगा नहीं लेके आ जाएगा वो तो देखो, वो भी गवर्नमेंट या जो भी बॉडी है इसको रेगुलेट करने के लिए वही डिसाइड करेंगी। बट बीसीसीआई आरटीआई के दायरे में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि एक तो गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, बीसीसीआई है वो तमिलनाडु सोसाइटी एक 1928 के तहत बनी हुई है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि आप सोच सकते हो कि बीसीसीआई है वो नहीं, एक बीसीसीआई है वो कोई गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, ये मान लीजिए एक तरह की सोसाइटी के तहत बनी हुई है। तो ये चीज़ हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो हो जाती है। अब चलते हैं आगे। आगे यहीं पे एक चीज़ साथ इंपॉर्टेंट रहती है, वो आती है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। तो देखते हैं कि अपॉइंटमेंट एससीसी के हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट है, इसका मेनली 2 मेंबर होते हैं इसमें। एक तो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री और दूसरे होते हैं मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर। तो दोनों जो इसके मेंबर होते हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि जो पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं गवर्नमेंट की, इसी के साथ जो बोर्ड लेवल की जो अपॉइंटमेंट होती है उनकी, उनमें अपॉइंटमेंट का काम करना, और इसी के साथ जो जॉइंट मतलब इंडिया की जो बड़ी पोस्टेड होती हैं जैसे कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में बोर्ड लेवल की नियुक्ति हुई, इसके साथ जॉइंट सेक्रेटरी या बड़े ऑफिसर्स की अपॉइंट करना है, ये सारी नियुक्ति हैं ये की जाती हैं एसीसी के द्वारा। और एसीसी में 2 मेंबर होते हैं प्रधानमंत्री और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये चीज़ हमने रखा यहाँ पे। इसके बाद में आते हैं एक छोटा सा पार्ट आता है इसका, वो आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर डिवीजन। देखो एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर डिवीजन है, इसका काम ये है कि गवर्नमेंट तो इनको क्या है अपॉइंट कर दिया, अब अपॉइंट करने के बाद जो भी आगे की प्रोसीजर होती है वो की जाती है एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर डिवीजन के द्वारा। तो ये पॉइंट भी हमारे लिए थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में, एनसीबी। तो एनसीबी है वो हमें ये ध्यान रखना है कि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और काम क्या इसका, इसका काम ये है कि ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको कंट्रोल करना है, ये मेल इसके काम है। तो हमने देखा। अब चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज़ है वो है एनडब्ल्यूडीए के बारे में, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। तो यह देखते हैं कि एक यह एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत बनी हुई है। अब काम क्या इसका, इसका काम यह है कि है जो भी पानी से संबंधित डिटेल होती है, मतलब भारत की प्रायद्वीप पेनिनसुलर रिवर है और जो हिमालय से ओरिजिन होती है, उन दोनों रिवर्स के बारे में पूरी रिपोर्ट है वो रखती है, पानी की पूरी डिटेल रखती है कि भाई पानी का यूज़ है कहाँ कितना ज़्यादा हो रहा है, और इसी के साथ स्टेट्स को भी सपोर्ट है वो प्रोवाइड करती है कि पानी को किस तरीके से यूज़ करना, मतलब रिपोर्ट वगैरह तैयार करने में ये इसका मेनली काम है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ये आती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंतर्गत ये आती है। अब चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज़ है वो है टेलीला स्कीम के बारे में। तो टेलीला स्कीम क्या है, जून में काफ़ी न्यूज़ चर्चा में था, तो इसके बारे में देखते हैं क्या। देखो न्यूज़ में एक्चुअली इसलिए था कि टेलीला स्कीम है वो सबसे पहली बात है कि लॉ मिनिस्ट्री और जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उनके द्वारा एक ज्वाइंट उपक्रम है, मतलब इन दोनों के द्वारा चलाई हुई स्कीम है। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि देखो हमारे देश में गरीब लोगों का काफ़ी एरिया और रूरल एरियाज में क्या है कि गवर्नमेंट है वो लोग की जो भी डिटेल्स होती हैं, मतलब जो वकील वगैरह की जैसे फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं करवा सकती है, और सभी लोग इतने सक्षम नहीं होते हैं कि वो जो लॉयर वगैरह इनको अफोर्ड कर सकें, उनको कोई भी कानूनी सहायता वो मिल सके। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है ताकि कुछ लोग या कुछ वकील ऐसे होते हैं, कुछ एनजीओ ऐसे होते हैं जो कि क्या है गरीब लोगों की हेल्प तो करना चाहते हैं बट उनके पास एक्सेस नहीं होती, वो गरीब लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि गाँव गाँव वो जा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट देने के लिए हेल्प एक तरीके से टेलीला स्कीम है एक पोर्टल बनाया है ताकि इसके तहत होगा क्या, इसके तहत ये होगा कि गाँव में जो एक्चुअली कॉमन सर्विसेज सेंटर होते हैं रूरल एरिया में, देखो कॉमन सर्विस सेंटर वो जगह होती है कि जहाँ पे एक ही सेंटर पे बहुत सारी तरह की सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। क्योंकि गाँव में क्या है कि अलग अलग सेंटर तो खोले नहीं जा सकते हर चीज़ के लिए, जैसे आधार कार्ड के लिए अलग हो, फिर पीडीएस के लिए, ऐसे कहेंगे अलग अलग सेंटर पॉसिबल नहीं होता गवर्नमेंट के लिए, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा होता है, उसी को ध्यान में रखते हैं कि एक ही सेंटर पर काफ़ी सारी सर्विस होती हैं उसे कहते हैं कॉमन सर्विसेज सेंटर। और इसी के तहत गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे एक्चुअली
इंटरनेट की कनेक्टिविटी के तहत जो पोर्टल है इसके साथ लोगों को एक्सेस दे देगी, ताकि जो भी लोग हैं वो कोई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसके तहत किसी भी वकील हुआ या कोई भी एनजीओ जो वहाँ पे इंटरेस्टेड है वो उससे हेल्प वगैरह ले सकते हैं कानूनी सहायता लेने के लिए। मतलब गरीब लोगों को कानूनी हेल्प है वो प्रोवाइड करने के लिए एक पोर्टल है। और इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि कॉमन सर्विसेज सेंटर होते हैं ना रूरल एरियाज में, उनकी हेल्प से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाई जाएगी, ताकि जिस भी इंसान को कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी कानूनी सहायता चाहिए होगी वो एक्चुअली कोई भी जो वकील है जो कि अपनी देना चाहता है उससे वो एड्रेस मतलब कोई भी परामर्श वगैरह कर सकते हैं, और गवर्नमेंट के भी कुछ वकील इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये थी कंप्लीट न्यूज़। अब चलते हैं हम आगे, अगले जो न्यूज़ हुआ ये स्मार्ट ग्राम इनिशिएटिव के बारे में, तो देखते हैं इसके बारे में। देखो स्मार्ट ग्राम जो इनिशिएटिव है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात इसमें आपको ध्यान ये रखनी है कि यह प्रेसिडेंट भवन का एक इनिशिएटिव है। तो ये आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि कोई मिनिस्ट्री वगैरह जल्दी से टिक मार्क कर दो, यह प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन का एक इनिशिएटिव है। काम क्या है इसका, इसका काम यह है कि कुछ सिलेक्टेड गांव हैं वहाँ पे एनर्जी हुई, एग्रीकल्चर हुई, इसके साथ स्किल डेवलपमेंट होया या फिर रोजगार के जो प्रोजेक्ट हैं वो स्टार्ट किए जाएंगे। और होगा क्या इसमें, इसमें होगा कि कोई भी इंसान या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, अगर लोकल गवर्नमेंट को या किसी के साथ सपोर्ट करना चाहती है तो उसको अच्छे से ढंग से रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करने के लिए मतलब उसकी हेल्प है सपोर्ट वो देगी। तो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, हो गया प्रेसिडेंट भवन के द्वारा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर भूलनी नहीं है, आपको अच्छे से नोट डाउन करके रखनी है। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज है वो है कमिट के बारे में, कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन मॉडिफाइड मॉड्यूल ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग के बारे में। है क्या है ये, एक तरीके का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि इम्प्लॉय होते हैं उनको सर्विस डिलीवरी के लिए सपोर्ट करेगा। मतलब हमारे देश में जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी इम्प्लॉय हैं उनको क्या होगा, ट्रेनिंग दी जाएगी इस प्रोग्राम के तहत, कमिट प्रोग्राम के तहत, ताकि वो अच्छे ढंग से जो भी कस्टमर्स हैं अच्छे और भी जो लोग हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करवा सकें। मतलब जो नागरिकता है उसको फ्रेंडली सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, कस्टमर बेस्ड जो सर्विस है वो प्रोवाइड करने के लिए देश के या जो स्टेट्स गवर्नमेंट हैं उसके जो भी इंप्लॉय हैं उनको ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड कराई जाएगी कमिट के तहत। तो ये ध्यान रखना है, इसमें होगा क्या, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि कमिट है वो मेनली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो इसमें ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने इंप्लॉयों को ट्रेनिंग देगी ताकि वो अच्छे ढंग से सर्विस है वो दे सकें हर इंप्लॉय को। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो ये इन्फॉर्मेंस स्कीम के बारे में। यह देखो यूपी गवर्नमेंट की एक स्कीम है, तो इसको देखो कई बार यूपीएससी है वो सेंट्रल और स्टेट के बेस्ड जो भी स्कीम होते हैं वो भी पूछ लेते हैं सेंट्रल के साथ साथ। तो इन्फॉर्मेंस स्कीम यह मेनली चलाई गई है जो गर्ल्स होती हैं उनको बचाने के लिए, क्योंकि देखो क्या होता है कि यूपी हरियाणा इन कुछ एरियाज में क्या होता है, राजस्थान जैसे एरियाज में वहाँ पे क्या है कि सेक्स वगैरह डिटर्मिनेशन के काफ़ी केसेस सामने आते हैं। मतलब वहाँ पे क्या है कि भ्रूण हत्या के बारे में पता लगाया जाता है पहले ही बच्चे जन्म से पहले, इसके बाद में क्या है कि चाहे जो भ्रूण हत्या वगैरह ऐसे कुछ केसेस आते हैं, तो उनको एक्चुअली कव करने के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई गई है, ताकि अगर कोई भी सेक्स डिटर्मिनेशन करवाता है तो उसके बारे में अगर कोई भी इन्फॉर्म करेगा गवर्नमेंट को तो उसको अवार्ड है वो दिया जाएगा। तो इन्फॉर्मेंट स्कीम है। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो आई है नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया। है क्या है देखते हैं, देखो दीनदयाल उपाध्याय का 100वां बर्थडे था जून में, तो उसके मौके पे स्कीम है वो लॉन्च की गई थी। अब इस स्कीम में था क्या, यह स्कीम सबसे पहली बात तो एक ध्यान रखने की कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा स्कीम है स्टार्ट की गई है। इस स्कीम में ये प्रावधान है कि जो हमारे देश में जो कल्चरल डाइवर्सिटीज हैं उसके सारे डाटा को एक जगह रखा जाए, चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड हो या फिर संस्कृति से रिलेटेड हो, तो मतलब हमारे देश में कल्चर से रिलेटेड जो भी डाटा हो सारा डाटा एक जगह एक सेंट्रलाइज फॉर्म में रखने के लिए, हमारे कल्चर को बचाने के लिए, ताकि किसी को भी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कल्चर के बारे में तो एक जगह से इन्फॉर्मेशन वो ले सकें। तो वो एक प्रोग्राम चलाया गया गवर्नमेंट का जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो गवर्नमेंट का एक मिशन है इसका ही एक पार्ट है। तो अब हम देखते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत है वो मेनली सरदार वल्लभ भाई पटेल के 140वें बर्थडे के ऊपर मनाया स्टार्ट किया गया था। इसका मेन मोटो ये था कि हमारे देश में जो भी डाइवर्सिटीज़ हैं उनको यूनिटी में रख के सेलिब्रेट किया जाए, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया था। और इसमें होता ये है कि डिफरेंट स्टेट और जो यूनियन टेरेटरीज हैं उनके बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की जाती है ताकि वो हर साल अपने कल्चरल एक्सचेंज है वो बढ़ा सकेंगे, जैसे खाने पीने से संबंधित हो या फिर त्यौहार वगैरह हो या फिर रिलीजियस और भी चीज़ें हो उनको आपस में एक्सचेंज कर सकेंगे। और इस बार था वो जैसे तमिलनाडु और हरियाणा के बीच में हुआ था, इसमें यह था कि हरियाणा के लोग हैं वो तमिलनाडु जाके वहाँ के कल्चर के बारे में जानेंगे और अपने कल्चर के बारे में बताएंगे, और तमिलनाडु के लोग हैं वो भी हरियाणा आके अपने मतलब हरियाणा के कल्चर के बारे में जान सकते हैं और अपने कल्चर के बारे में इन्फॉर्म, मतलब गवर्नमेंट को थोड़ा सपोर्ट है वो देगी। और मिनिस्ट्री कौन सी इसके लिए वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत है इसके लिए मिनिस्ट्री है वो है एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और एक इसमें इंपॉर्टेंट बहुत क्या था, एक ये था कि जो अभी देखा था हमने नेशनल मिशन कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया है वो किया गया था कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा, तो इन दोनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा है और कौन सा कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा है। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो है स्वस्थ
स्वच्छ सारथी अभियान SSA, स्वच्छ सारथी अभियान है वो मेनली दिल्ली में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। काम क्या है इसका, देखो दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए जो ऑटो रिक्शा जैसे बाकी जो लोग होते हैं ड्राइवर्स, मेनली ड्राइवर्स के लिए है ये कि जो भी जैसे कार ओला उबर जो भी कार है वो बाकी टैक्सीज वगैरह चलती हैं ऑटो वगैरह उनके ड्राइवर्स को अच्छी हेल्थ सर्विस वो प्रोवाइड करने के लिए क्या होगा, इसमें शुगर ब्लड बाकी तरह के टेस्ट वगैरह हैं वो करवाए जाएंगे फ्री। तो यह स्वच्छ सारथी अभियान। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो स्कीम है वो है वज्र स्कीम के बारे में थी। वज्र स्कीम क्या है वो देखते हैं, विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च फैसिलिटी। अब है क्या इसमें, यह सबसे पहली बात तो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसमें यह होगा कि जो फॉरेन के जो साइंटिस्ट हैं जो कि इंडिया की ही NRI हैं या फिर OCI हैं उनको गवर्नमेंट कुछ पैसा देगी कि भाई आप लोग इंडिया के इंस्टीट्यूट के साथ थोड़ी हेल्प कीजिए, कोलोबरेट कीजिए ताकि इंडिया को भी कुछ फायदा हो और इंडिया के साथ वो मिलकर काम कर सकें। तो इसके द्वारा मतलब जो साइंटिस्ट हैं जो कि इंडिया के ओरिजिन के हैं या फिर NRI हैं उनको इंडिया के साथ मिलकर काम करने के लिए सपोर्ट हो दिया जाएगा इस वज्र स्कीम में। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो आई है FMR के बारे में, फ्री मूवमेंट रेजिम के बारे में। तो देखो इस ये है मेनली इंडिया और म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम है वो बर्मा है। तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाके देखते हैं इसके बारे में बैकग्राउंड। 1935 से पहले क्या होता था, अंग्रेज लोगों का राज था इंडिया और म्यांमार वाले एरिया में। तो 1935 से पहले सीन ये था कि म्यांमार को भी इंडिया, म्यांमार को और इंडिया को दोनों को एक ही रूल के तहत रेगुलेट किया जाता था, मतलब एक ही कानून बनाए जाते थे उनके लिए। और 1935 के बाद अलग अलग कानून बनाए जाने लग गए। तो मतलब हुआ क्या कि 1935 के बाद क्या कि इंडिया और म्यांमार के बीच में क्या कि बॉर्डर बन गए। अब बॉर्डर बन गया तो ऑब्वियसली वीजा वगैरह पासपोर्ट वगैरह काफ़ी इश्यू होगा। तो इससे हुआ क्या कि जो लोग एक्चुअली इंडिया और म्यांमार के मतलब कोस्टल इंडिया और म्यांमार का जो एरिया है बॉर्डर वाला एरिया है बाउंड्री वाला, उस एरिया में जो लोग रहते थे वो आपस में इधर उधर जा नहीं सकते थे क्योंकि उनके आपस में शादी संबंध के रिलेशन थे, इसके अलावा उनके परिवार वाले और भी जो लोग रहते थे तो उसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो अब एक्चुअली उनको बार बार वीजा वगैरह चाहिए तो उनको काफ़ी मुश्किल होती थी। उसी के साथ जो ट्रैवल एरिया है उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि देखो उस एरिया में इंडिया का नॉर्थ ईस्ट एरिया है मेनली और नॉर्थ ईस्ट एरिया में ट्रैवल लोग ज़्यादा हैं तो इसलिए उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। तो गवर्नमेंट ने इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया, इंडिया और म्यांमार दोनों ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया जिसे कहते हैं फ्री मूवमेंट रेजिम। इसमें यह प्रावधान है ताकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो 16 किलोमीटर बाउंड्री के इधर उधर जा सकते हैं, मतलब इंडिया के जो लोग हैं इंडिया की बाउंड्री वाले वो 16 किलोमीटर म्यांमार के बॉर्डर में जा सकते हैं बिना किसी वीजा के, और 16 किलोमीटर जो म्यांमार के लोग हैं वो इंडिया में आ सकते हैं। तो इसमें एक पॉइंट हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इंडिया का म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वो लगता है 1643 किलोमीटर और कौन कौन से स्टेट को लगता है, वो लगता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो ये ध्यान रखना है कि चार स्टेटों को इंडिया का बॉर्डर लगता है म्यांमार वाले एरिया में, ये स्टेट हमने देखे, और 16 किलोमीटर की इसमें रेंज है वो रखी गई है। इंडिया का टोटल बॉर्डर है जो म्यांमार के साथ टच करता है वो करता है 1643। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब चलते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ। अगली जो न्यूज़ है वो है प्रिविलेज ऑफ लेजिस्लेचर्स के बारे में। कंटेक्स्ट ये था देखो कि कर्नाटका की जो विधानसभा है उसने, कर्नाटका की विधानसभा के जो स्पीकर हैं उन्होंने दो जर्नलिस्टों को एक साल की सजा दे दी। क्यों दी, क्योंकि उन्होंने प्रिविलेजेस ऑफ लेजिस्लेचर का मुद्दा था सामने इसकी वजह से। अब देखते हैं कि प्रिविलेजेस है क्या, प्रिविलेजेस का मतलब ये है कि जो हमारे देश के MP और MLAs होते हैं उनको कुछ छूट दी जाती है ताकि वो बिना डरे अपनी बात है वो सब लोगों के सामने संसद के पटल पर रख सकें, मतलब उनको एक स्पेशल राइट दिया जाता है कि भाई उनकी अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो उनके ऊपर कोई भी एक्शन वगैरह नहीं लिया जाएगा। और ये किस तरह इसके तहत प्रावधान है, यह प्रावधान है आर्टिकल 105 के तहत। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि प्रिविलेजेज हैं वो एक्चुअली MP और MLAs को दी गई हैं ताकि वो अपनी बात खुल के सामने रख सकें, उनको किसी के द्वारा दबाया ना जा सके, इसलिए उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कमेटी ऑन प्रिविलेजेस के बारे में। तो वो कमेटी ऑन प्रिविलेजेस है, ये एक स्टैंडिंग कमेटी है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और यह दोनों सदनों की अलग अलग होती है, मतलब लोकसभा की अलग होती है, राज्यसभा की अलग होती है, ये चीज़ हमें याद रखनी है, और स्टेट गवर्नमेंट्स की अलग होती है। अब राज्यसभा की जो स्टैंडिंग कमेटी, जो स्टैंडिंग कमेटी होती है, मतलब ये कमेटी ऑन प्रिविलेजेस जो कमेटी होती है इसमें 10 सदस्य होते हैं और लोकसभा वाली में 15 सदस्य होते हैं। काम क्या उनका, इस कमेटी का काम ही होता है कि कोई भी सदस्य की जो प्रिविलेजेस है, जो छूट है, उसके बारे में अगर कहीं भी ब्रीच हो रहा है, उसकी छूट को कहीं भी दबाया जा रहा है, तो उसके बारे में एग्जामिन करती है कि ये सही है नहीं है, उसका काम होता है, वो होता है कमेटी ऑन प्रिविलेजेस का। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में उल्लेख है, और ये एक स्पेशल राइट है MP और MLAs को ताकि वो अपनी बात खुल के मतलब अपनी जो बात है वो संसद के पटल पर रख सकें, और उसके लिए जो भी अच्छा डिसीजन है वो फिर लिया जा सके। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो है गोरखालैंड विवाद के बारे में। तो देखते हैं क्या गोरखालैंड जो विवाद है मेनली, ये जो है जून में स्टार्ट हुआ था, इस बार काफ़ी स्ट्राइक वगैरह चली थी। और ये गोरखालैंड है कहाँ, देखो मतलब कहाँ बनाने की बात है, गोरखालैंड है वो मेनली वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग वाले एरिया में।
अब देखो है ये कि गोरखालैंड है वो एक्चुअली इसमें गोरखा लोग रहते हैं जो कि नेपाल से रिलेटेड हैं। अब आपको पता है कि वेस्ट बंगाल की सीमा वो नेपाल की काफ़ी क्लोज है और वहाँ पे काफ़ी लोग उनको का आना जाना रहता है, तो इसलिए क्या कि वहाँ पे कुछ बहुत से लोग रहते हैं गोरखा वाले एरिया में और गोरखालैंड एक नए स्टेट की मांग करते हैं बार बार, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज है वो करती है बार बार, मतलब उनके उनको ऑटोनॉमी चाहिए और ऑटोनॉमी बॉडी बनाने के लिए वो गवर्नमेंट के बाहर काफ़ी बार गुहार भी है वो लगाते हैं। तो इस बार मुद्दा ये हुआ था कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने जो बंगाली लैंग्वेज है वो स्कूलों में कंपलसरी कर दी थी, तो इन लोगों को काफ़ी आपत्ति आई कि भाई हमें तो बंगाली आती नहीं, तो कोई जरूरी थोड़ी कि हमें बंगाली ही लैंग्वेज ही यूज़ करनी पड़े। तो इस चीज़ को लेकर विवाद हो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। अब हम देख लेते हैं कि गोरखालैंड है, सबसे पहली बात है कि वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में। इसके बाद में अगला पॉइंट ये आता है कि गोरखालैंड को रेगुलेट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए वहाँ पे गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बनाया गया था, GTA। है क्या ये GTA? ये एक सेमी ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है जो कि दार्जिलिंग और उसके नियर बाई एरियाज हैं उनको एक्चुअली है कंट्रोल या रेगुलेट करती है। अब है इसका काम क्या होता है सेमी ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी का? इसका काम ये है कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित कोई भी काम है वो कर सकती है, इसके साथ कोई भी एग्जीक्यूटिव काम है वो कर सकती है, और फाइनेंशियल पावर है वो होती है, मतलब इसके पास तीन तरह की पावर होती हैं। और 2011 में इसे बनाया गया था ताकि उस एरिया को थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी है वो दी जा सके। ध्यान रखना कि पूरी ऑटोनॉमी नहीं है, थोड़ी बहुत सेमी सेमी ऑटोनॉमी वो दी गई है। बस क्या नहीं कर सकती वो बॉडी, GTA बॉडी है वो कानून नहीं बना सकती। कानून बनेगा वो बनेगा केवल और केवल राज्यसभा के द्वारा या विधानसभा के द्वारा ही कानून है वो वहाँ बनाया जाएगा। कानून बनाने की पावर है वो इस बॉडी को नहीं दी गई है, वो चीज़ हमने कंप्लीट यहाँ पे देख ली। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो है ग्लोबल साइंस इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के बारे में। है क्या ये? यह एक जॉइंट इनिशिएटिव है किस किस का? मलेशिया इंडस्ट्री जो कि गवर्नमेंट का एक ग्रुप है, इसी के साथ न्यूयॉर्क की एकेडमी ऑफ साइंस है, उन दोनों के द्वारा मिलकर एक जॉइंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि साइंटिस्ट के द्वारा जो इनोवेशन की जाती है, जो रिसर्च वगैरह की जाती है, उनके नए जो नवाचार आइडियाज़ होते हैं उनको बूस्ट करने के लिए ताकि वो अच्छे ढंग से परफॉर्म कर सकें। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज है वो है FCRA एक्ट 2010 के बारे में। तो देखो FCRA एक 2010 है, इसको समझने के लिए हम पहले समझते हैं कि FCRA एक्ट आया कब था और क्या था इसके बारे में। देखो FCRA एक्ट है वो सबसे पहले आया था 1976 में, और 1976 में आपको पता है कि उससे पहले क्या लगी थी, उससे पहले इंडिया में लगी थी इमरजेंसी आपातकाल। तो उस कंडीशन में एक्चुअली इसको लाया गया था, इसलिए लाया गया था ताकि विदेश के द्वारा कोई भी फंडिंग है वो ना हो सके इंडिया में, और इंडिया की पोलिटिकल पार्टियों को एक्चुअली मतलब मैनिपुलेट ना किया जाए, कहीं ऐसा नहीं हो कि इंडिया की पोलिटिकल पार्टियों को खरीदा बेचा जा सके और आपस में क्या कि इंडिया में फॉरेन कंट्रीज का कहीं कोई मतलब हस्तक्षेप ना हो, विदेशी कंपनियां विदेश के द्वारा कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट हो उसका इंडिया की पॉलिटिकल पार्टियों पे इंटरफेरेंस ना हो, इसके लिए FCRA एक्ट आया था 1976 में। बट बाद में हुआ क्या, गवर्नमेंट ने इसे धीरे धीरे चेंज कर दिया। और जो FCRA एक्ट 2010 है वो है क्या, वो देखते हैं हम। FCRA एक्ट 2010 है वो मेनली है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट 2010। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जो भी NGOs होते हैं, जो NGO होते हैं उनको क्या फॉरेन से काफ़ी एड वगैरह मिलता है, मतलब फॉरेन से काफ़ी पैसा वगैरह मिलता है, फॉरेन से फंड वगैरह, उसको यह रेगुलेट करता है कि वो जो उनका ITR वगैरह वो फाइल कर सके, वो रिटर्न वगैरह उन्हें सब कुछ फाइल करना होता है। और इसके तहत ये प्रावधान रहता है कि कोई भी NGO है उसको हर 5 साल में लाइसेंस है वो रिन्यू कराना होता है फंडिंग वगैरह के लिए। और एक स्पेशल बात इसमें ये प्रोविजन होता है कि वो अपनी जितनी भी फंडिंग आ रही है उसका 50% पैसा ही अपने एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी जो कार्य है उसमें यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको 1 लाख रुपए मिले तो 80,000 रुपए तो ये दिखा दें कि सर हमने तो देखो ये टेबल खरीदी है, हमने तुम्हारे एम्प्लॉय को हमने हमारे एम्प्लॉय को सैलरी वगैरह दे दी, ऐसा नहीं है। केवल और केवल 50,000 देखिए खर्च कर सकते, मतलब यह है कि जो भी फॉरेन से उनको फंडिंग मिलती है उसका 50% पैसा ही वो अपने एडमिशन से संबंधित खर्च कर सकते हैं, बाकी पैसा उन्हें बाकी जो भी NGO से संबंधित कार्य होते हैं वहां खर्च करना होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। और उन्हें ITR वो फाइल करना होता है और उनको हर 5 साल में लाइसेंस वो रिन्यू करवाना होता है, तो उसको लेके है। तो मतलब गवर्नमेंट ने बाद में से इसका मोटो वो चेंज कर दिया, तो हमें थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि FCRA एक्ट 2010 है क्या और FCRA एक्ट आया क्यों था इंडिया में सबसे पहले, और इस कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो है CAPART के बारे में। तो देखते हैं क्या है CAPART का मतलब है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। अब है क्या देखते हैं, ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टार्ट किया गया है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत बनी हुई है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? इसके चेयरमैन होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। का काम क्या है इस बॉडी का? इस बॉडी का काम ये होता है कि हमारे देश में जो भी NGO या जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो और इसके साथ जो गवर्नमेंट है उसके बीच में एक तरीके से कोलेबरेशन या कोऑर्डिनेशन बनाना और कैटलाइजेशन वो काम करना। मतलब देखो NGO और जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो क्या है कि सभी तो गवर्नमेंट के साथ आके डील नहीं कर सकते बार बार, तो उनको
उनको एक्चुअली से प्लेटफॉर्म देती है कि हाँ भाई एक दूसरे से मीडिएटर का काम करती है, आप ये बोल सकते हो कि गवर्नमेंट और जो एनजीओ और जो ऑर्गेनाइजेशन उनके बीच में है, आपस में समन्वय करवाने का, कोऑर्डिनेशन बनाने का काम है, वो यह बॉडी करती है CAPERT। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? यह आती है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, ऑटोनोमस बॉडी है। काम क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। अब चलते हैं आगे, अगली जो न्यूज है वो है NCPCR के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्रन। देखो न्यूज ये है कि NCPCR और इसके साथ पंचायती राज मिनिस्ट्री और इसके साथ यूनिसेफ, इन तीनों ने मिलकर कुछ गाइडलाइन जारी की हैं ताकि पंचायती राज के जो मेंबर्स होते हैं ना, पंच और सरपंच और जो लोग, वो लोग बच्चों के राइट्स होते हैं ना, उनको एक्चुअली ग्रामीण लेवल पर सुरक्षित रह सकें, उसके लिए एक इनिशिएटिव है, एक प्रोग्राम वो स्टार्ट किया गया। तो हम देख लेते हैं कि NCPCR है क्या। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है यह, सबसे पहली बात है कि एक स्टेचुरी बॉडी है जिसका काम क्या है, इसका काम यह है कि देश में जो भी कोई कानून वगैरह बनता है, कोई भी पॉलिसी बनती है, उसको ये चेक करना कि कहीं ना कहीं वो बच्चों का तो अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर रही है। मतलब कोई भी देश में कानून बन रहा है या कोई पॉलिसी बन रही है तो उसको यह चेक करती है कि उससे बच्चों को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये इस बॉडी का काम है, NCPCR का स्टेचुरी बॉडी है। और इससे कौन चेक करता है, बनाया गया, इससे बनाया गया कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के तहत इसे बनाया गया है। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज है इसमें एक छोटा सा एक पार्ट है, वो है कि यह यूनाइटेड नेशन जो कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन चाइल्ड है उनको भी यह फोकस करती है। मतलब NCPCR है वो UN कन्वेंशन के जो राइट हैं चाइल्ड्स के लिए उनको भी यह कंसिडर करके चलती है। और यहाँ पे चाइल्ड की जो है एज है वो होती है 0 से 18, हमें ध्यान रखना है क्योंकि देखो इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी बार कन्फ्यूज हो सकते हो कि जैसे एक तो RTE एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसमें है, उसमें प्रावधान है, उसमें है 14 ईयर्स तक है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि मतलब यहाँ पे चाइल्ड की डेफिनेशन कहीं कुछ जगह वो 16 साल आती है, अलग अलग जगह कुछ जगह 18 साल। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि चाइल्ड है उसमें 6 से 18 साल का, क्योंकि UPSC की बार स्टेटमेंट में ऐसे घुमा फिरा के छोटी सी मिस्टेक्स वो दे देती है और वहाँ पे कन्फ्यूज मत होना। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो आई है DGFT के बारे में, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में। देखो न्यूज़ में एक्चुअली ये है कि है रिसेंटली जो DGFT है यह कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और काम क्या, इसका काम ये होता है कि फॉरेन ट्रेड और पॉलिसी है यह उनको रेगुलेट करती है ताकि इंडिया में एक्सपोर्ट के अकॉर्डिंग माहौल वो बनाया जा सके। मतलब मेन काम इसका ये है कि इंडिया में एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जा सके, उसके लिए बॉडी काम करती है। अब न्यूज़ में अभी इसलिए आई है ये कि जो DGFT है इसे कॉमर्स मिनिस्ट्री से शिफ्ट करके इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत लाने की कोशिश की जा रही है। मतलब लाने की बात है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत इस बॉडी को लाने की बात है। देखो अभी तक तो ये बॉडी शिफ्ट हुई नहीं है, बस ये न्यूज़ में आता तो हमने इसके बारे में देख लिया, फ्यूचर में जब होगी प्रीलिम से पहले तो हम देख लेंगे वापस आगे। अगली जो न्यूज है वो आई है प्रसार भारती के बारे में। न्यूज ये थी कि प्रसार भारती के जो नए CEO हैं उनको अपॉइंट किया गया था। तो प्रसार भारती जो CEO हैं उनको 3 सदस्यों का एक पैनल होता है वो अपॉइंट करता है। कौन कौन होते हैं? एक तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इसके साथ प्रेसिडेंट, इसके साथ जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया होता है उसके चेयरमैन होते हैं, और तीसरा होता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी नॉमिनेटेड एक व्यक्ति होता है वो। तो 3 लोगों का एक पैनल होता है वो एक्चुअली इसकी CEO है उनको अपॉइंट करता है। अब हम देखते हैं हमारे जो काम की चीज़ें वो है प्रसार भारती बॉडी के बारे में। सबसे पहली बात, यह एक स्टेचुरी और ऑटोनोमस बॉडी है। कब बनी थी? 1997 में इसे बनाया गया था। काम क्या है इसका? इसका काम ये है कि जो भी पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग होती है इंडिया में, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो हुआ, FM हुआ, दूरदर्शन हुआ, इन सबको यह रेगुलेट करती है, इन सबको मॉनिटर करने का काम है वो होता है प्रसार भारती। प्रसार भारती के अंतर्गत ये आती है। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो है APEDA के बारे में, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट यह कि देखो अभी क्या था कि इंडिया में जून महीने से पहले के कुछ रूमर्स वगैरह फैले थे कि भाई प्लास्टिक राइस है इंडिया से वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट है वो प्रभावित हो रहा था। तो इस चीज़ के लिए जो APEDA है, इस बॉडी ने एक्चुअली मतलब गाइडलाइन जारी की कि भाई ऐसा कुछ नहीं, FAO वगैरह को उन्होंने क्लियर किया कि ऐसा कुछ है नहीं। अब इस बॉडी के बारे में देख लेते हैं कि APEDA जो बॉडी है यह एक्चुअली APEDA एक्ट 1985 के तहत बनी थी। और इसका काम ही है कि जो भी इंडिया में एक्सपोर्ट होता है एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोसेस फूड होता है उसका, उस एक्सपोर्ट को है बूस्ट करती है और कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर लगा हुआ तो आप एग्जाम में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के वहाँ टिक मार्क कर दो। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये एक्सपोर्ट वगैरह को कंट्रोल करती है। आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है कि भाई एक्सपोर्ट को कर रही है तो इसलिए कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आएगी। अब चलते हैं हम आगे, अगली जो न्यूज़ है वो है UNODC के बारे में, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। कंटेक्स्ट ये है कि देखो UNODC है उसने पंजाब गवर्नमेंट के साथ ड्रग्स की समस्या का सोल्यूशन करने के लिए एक MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो साइन किया था। क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि पंजाब में ड्रग्स की काफ़ी बड़ी समस्या है, तो उससे निपटने के लिए UNODC ने एक MOU है वो साइन किया था पंजाब गवर्नमेंट के साथ।
अब देखो नाम से एक तो इस बॉडी के बारे में पता चल रहा है कि ये एक यूएन का ऑफिस है, ऑब्वियसली यूएन लगा हुआ है, तो ये चीज़ हम बेसिकली समझ सकते हैं। यहाँ पे काम क्या है इस बॉडी का, इस बॉडी का काम ये है कि जो भी ड्रग स्टेट होते हैं, मतलब जिन एरियो में ड्रग्स का काफ़ी यूज हुआ है जिन स्टेट्स में, उनको यह इम्पावर करने का काम करती है। वहाँ पर एम्पावरमेंट के प्रोग्राम है वो चलाती है। और इस बॉडी का जो बजट होता है वो आता है 90% डिफरेंट गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब इस बॉडी को जो फंड है, जो पैसा मिलता है वो डिफरेंट गवर्नमेंट है वो इसको फंड है वो प्रोवाइड करती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यूएन का ऑफिस मेंबर है, न्यूज़ में क्यों है और काम क्या है इसका, वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो एक न्यूज़ है वो ये कांबला के बारे में। तो देखो कांबला है वो एक कर्नाटक की बफेलो रेस है, जिस प्रकार जल्लीकट्टू है वो तमिलनाडु की एक बुल रेस है, उसी प्रकार कर्नाटक की बफेलो रेस है। क्या इसमें कंटेक्स्ट में ये था कि जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट है उसके तहत कांबला के ऊपर रोक लगा दी गई थी, और अब कर्नाटका विधानसभा है वो इस पर छूट देने की बात करी है, क्योंकि देखो जल्लीकट्टू को भी इस बार है वो छूट दे दी गई थी उन्होंने कानून बना के, तो उसी के तहत ही न्यूज आई है। तो हमें यहाँ पे प्रिलिम्स में यूपीएससी एक तो मेज द फॉलोइंग में पूछ सकती है कि जल्लीकट्टू कहाँ से लेटर, ध्यान रखना कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु से है और कर्नाटका से कौन सा है, कांबला, जिसे वो कि एक बुफेलो रेस है। अब चलते हैं हम अगली न्यूज़ की तरफ। अगली जो न्यूज़ है वो है एनसीबीसी के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बिल के बारे में। तो देखो गवर्नमेंट है वो समर सेशन में एक बिल लेके आई थी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के लिए। तो हम देखते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है क्या। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास है वो एक स्टेचुरी बॉडी है अभी तक तो, जो कि 1993 में बनाया गया था। अब देखो गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि नेशनल कमीशन ऑफ जो बैकवर्ड क्लास है इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी जाए, क्योंकि देखो जो बाकी जो कमीशन है जैसे नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड सॉरी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब है, वो दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि इनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो बना दिया जाए। अब होगा क्या, अगर पास होने पर यह फायदा होगा कि आर्टिकल 366 है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत सोशल एजुकेशन जो और बैकवर्ड क्लास की डेफिनेशन वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारे देश में सोशल और एजुकेशन की जो बैकवर्ड क्लास की डेफिनेशन वो क्लियर नहीं है। तो ये फायदा हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा कि ओबीसी है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ग्रीवांस को मतलब एड्रेस किया जाएगा। मतलब बात सीधी सी है कि ओबीसी कास्ट की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं ओबीसी क्लास की, उन प्रॉब्लम को एक्चुअली बाद में ढंग से सुना जाएगा, उनको प्रॉपर एक प्रोसीजर हो जाएगी। अभी तक क्या होता है, अभी तक ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अभी तक एक्चुअली ये पास नहीं हुआ, तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ओबीसी जो होता है ओबीसी की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम अभी नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब के द्वारा ही एड्रेस की जाती हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपको यूपीएससी यहाँ पे कंफ्यूज कर सकती है कि ओबीसी की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो कौन एक्चुअली मतलब उनको एड्रेस करता है। तो ये ध्यान रखना है कि अभी ओबीसी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब के तहत ही रेगुलेट या एड्रेस हैं वो की जाती हैं। तो ये थी हमारी कंप्लीट आज की डिस्कशन। तो आज की डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू दोस्तों।